अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट ट्यूब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो तकरीबन तमाम मोबाइल यूज़र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने कई दफ़ा देखा होगा, आप जो है किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, किसी भी ऐप के ऊपर जाते हैं, तो भर भर के आपको जो है वहाँ पे ऐड दिखते हैं, जिसकी वजह से आप जिस मकसद के लिए उस वेबसाइट या ऐप को यूज़ करते हैं वो आप टाइम पे नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से आप जो है तमाम वो फजूल के जो एड्स हैं आप उन्हें बंद कर सकते हैं और जब चाहें आप उसे ओपन भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम उन न्यू फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर विज़िट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे अपने मोबाइल के तमाम एड्स को बंद करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे सर्च का बॉक्स मिल रहा है, इसके ऊपर आपने सर्च करना है प्राइवेट DNS। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ प्राइवेट DNS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है प्राइवेट DNS का, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें VPN के नीचे प्राइवेट DNS का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से करते हैं ओपन। तो यहाँ पे जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑटो का, लेकिन इसके साथ एक तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट DNS का, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मॉडिफाई का एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लू कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने ये वाला जो एड्रेस है इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम एज़ इट इज़ आपने लिखना है और इसके बाद आपने जो है इसे यहाँ से साइन, जहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको ओके का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है अब आप जाएंगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर और चेक करेंगे कि वाकई में उसके ऊपर कोई एड्स नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र में और मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि एड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एड्स जो है शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट के अंदर भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि वाकई में यहाँ पे जितने भी एड्स हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एड्स आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ओपन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं उस ऑप्शन को वहाँ से कर दूँगा बंद और देखते हैं कि बंद करने के बाद जो है ये एड्स शो होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोबारा से मैं जाऊँगा प्राइवेट DNS के अंदर। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं इसे ऑफ़ कर दूँगा दोबारा से। ठीक है, इसे मैंने यहाँ से अब ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद दोबारा मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा और एक दफ़ा मैं इसे करूँगा रिफ़्रेश। ठीक है, रिफ़्रेश करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं एड्स शो होना शुरू हो गए हैं। टॉप पे भी आप देख सकते हैं पहला ऐड आ चुका है और इसके बाद जो है दूसरे एड्स जो है वो भी हमें यहां पे दिखना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और ये देखें यहां पे जो है एड्स आ गया और नीचे भी यहां पे आप देख सकते हैं एक और ऐड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप किसी भी वेबसाइट की एड्स जो है बंद कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।